सबसे पहले बात करेंगे सहरसा जिले के खुरेसान गांव की, जहां आग ने भयंकर तबाही मचा दी है। आग लगी की घटना में 300 घर जलकर राख हो गए हैं। घटना के दौरान स्थानीय ग्रामीण और प्रशासनिक टीम ने मिलकर आग बुझाने में कोशिश की, लेकिन तब तक आग से कई घर जलकर राख हो गए। आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट को वजह बताई जा रही है। वह इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। तो अगलगी की घटना सहरसा में, जहां 300 घर जलकर राख हो गए और वजह शॉर्ट सर्किट। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सरफराज हैं फुलाइन पर। सरफराज, पूरी घटना की आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, ये खबर जो है सहरसा जिले से है, जहां सहरसा जिले के बनमा इतरी प्रखंड के खुरेसान गांव की है, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण पहले एक घर में आग लगी थी, जिसके बाद जो है ये आग जो है फैल गई, जिससे कई घर 300 घर को चपेट में इस आग ने ले लिया। वही घटना की जो लोग इस घटना को जब जानकारी मिली लोगों को, तो वहां पर लोगों और स्थानीय प्रशासन द्वारा जो है अभी भी आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन की पूरी टीम अभी तक आग पर काबू पाया गया है। सरफराज, आग पर काबू पा लिया गया है? नहीं, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। अभी भी आग पर काबू पाने के लिए प्रशासन और ग्रामीणों द्वारा सहयोग किया जा रहा है। कितना नुकसान हुआ है, कितना अनुमान लगाया जा रहा है, कितना नुकसान हुआ है इस अगलगी की घटना में? देखिए, अभी तक इसका आकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 300 घर जला है और 300 घर में जो सामाने रखी हुई है सभी सामाने जल गई है। इसका आकलन जो है वो अभी तक नहीं। हताहत होने की खबर भी है क्या आपके पास सरफराज? नहीं, अभी इस तरह की कोई मामला जो है वो सामने नहीं आई है, और किसी के हताहत की कोई खबर अभी सामने नहीं आई। किसी प्रशासनिक अधिकारी के पहुंचने की खबर आपके पास? जी देखिए, अभी जिला के जो अग्निशमन पदाधिकारी है वो पहुंचे हुए हैं, और स्थानीय जो अंचलाधिकारी है अक्षय भट्ट, वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और आग को बुझाने का। सवाल सरफराज आपसे यह है कि अगलगी की ऐसी घटनाओं में जो लोग जो हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ प्रशासन की ओर से तैयारी की गई है? देखिए, अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी भी आग जो है वो गाँव में लगी हुई है और इसको बुझाने के लिए जो है प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अब जब आग पूरी तरह से बुझ जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई। अभी आग को बुझाने का प्रयास जो है प्रशासन और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जो है वो किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका सरफराज। तो आपको बता दें कि सहरसा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अगलगी की घटना में 300 घर जलकर राख हो गए हैं, और आग लगने के पीछे वजह जो है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, और अभी भी आग बुझाने का जो कार्य है जारी है। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। मौके पर DM पहुंच चुके हैं।